कि कांग्रेस 60 साल राज किया है, बीजेपी 10 साल के लिए आया है। अगर बीजेपी हार गया ना तो 100 साल दिखाई नहीं देगा वो। अच्छा। 100 साल बीजेपी भाग जाएगा, कहाँ जाएगा पता ही नहीं है। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, सिर्फ 10 साल के लिए आया तो पब्लिक को इतना पागल बना दिया ये। अरे मजदूर परेशान है, हम लोग कारखाने में काम करता हूँ, समझ लो 1000 कारखाने में से समझ लो 200-300 कारखाना बचा है। बाबा अभी तेल कितना महंगा है, 84 से कितना पहुँच गया, 64 फिर कहाँ कमाई दूंगी। 12,000-10,000 कंपनियाँ आ गई बाहर बाहर से, वो कमा के जा रही है, मजदूर वहीं के वहीं है। 10,000-8,000-5,000 यहाँ तक लेडीज से भी काम करने लगी, इतनी परेशान हो गई। नौकरियाँ देंगे क्या लग रहे, दे पाएंगे? भरोसा है मोदी जी ने 2 करोड़ का वादा किया। मोदी जी पर तो भरोसा नहीं है, मोदी जी बेईमान है। क्यों नहीं है भरोसा? बेईमान है वो, मोदी जी बेईमान है। राहुल जी गांधी जी को भरोसा है, देखते हैं जीता के, इन बार मुल्क को भी मौका देते हैं, जीता के देखते हैं। अच्छा मौका देकर देखते हैं राहुल गांधी जी। देखिए क्या लग रहा है, मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी पर भरोसा नहीं। मोदी सवाल तो सुन ले, मोदी जी कह रहे हैं भैया इस बार 400 पर नहीं नहीं 100 तरी पार। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं युवा हमारे साथ है, तो युवा जुड़ चुका है राहुल? हाँ जी जी बिल्कुल जुड़ चुका है युवा उसके साथ में। मोदी के साथ कोई भी नहीं रहेगा, चोर है। मोदी जी कह रहे हैं 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, आप भी हैं? कुछ नहीं है, उतनी बड़े बड़े फतुए हैं, खाली इतना पैसा आ जाएगा बैंक में और इतना दे देंगे और कुछ भी नहीं मिला, खाली पब्लिक इतना परेशान है, सारा रोजगार भी नहीं है कुछ। क्या ले रहे, घंटा ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। मोदी जी कह रहे भैया हम सबको दे रहे हैं 5 किलो। कुछ नहीं, किलो ले, कितना दिन खा लोगे आप? किधर दिया, किसको दिया, आके बताए ना मेरे को। अभी लाइन लगाए हैं कंट्रोल में, लेने का रास्ता नहीं खत्म। मोदी जी पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी पर है? अरे बिल्कुल है, मरते दम तक के रहेगा। अच्छा, बड़े बड़े फैन लग रहे हैं राहुल गांधी। अरे हम उनके जिंदगी भर फैन रहेंगे और क्या। लेकिन क्या लग रहा है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं भैया अगर हमारी सरकार आ गई रोजगार दे देंगे, वो देंगे और बिजली भी फ्री करेंगे वो, हमें पता है। लेकिन मोदी जी ने 2 करोड़ का वादा किया था, 2 रुपए भी छीन लिए हैं। 2 करोड़ तो दूर सर, महंगाई है कहाँ, कह तो रहे बाबा अभी महंगाई कहाँ, सस्ता ही बची किधर है, महंगाई तो हो गई है। अरे बाबा अभी तेल कितना महंगा है, 84 से कितना पहुँच गया, 64 फिर कहाँ कमाई दूंगी। 12,000-10,000 कंपनियां आ गई बाहर बाहर से, वो कमा के जा रही है, मजदूर वहीं के वहीं है। 10,000-8,000-5,000 यहाँ तक के लेडीज से भी काम करने लगी, इतनी परेशान हो गई पब्लिक। मोदी जी भैया आत्मनिर्भर बन जाए, चाय बनाए तले, हाँ तो उनको तलने दो, हम नहीं तलेंगे। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस 60 साल राज किया है, बीजेपी 10 साल के लिए आया है। अगर बीजेपी हार गया ना तो 100 साल दिखाई नहीं देगा वो। अच्छा। 100 साल बीजेपी भाग जाएगा, कहाँ जाएगा पता ही नहीं है। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, सिर्फ 10 साल के लिए आया तो पब्लिक को इतना पागल बना दिया ये। अरे मजदूर परेशान है, हम लोग कारखाने में काम करता हूँ, समझ लो 1000 कारखाने में से समझ लो 200-300 कारखाना बचा है। मोदी की गारंटी वो भरोसा है जनता, वो गारंटी क्या, वो खाली हिंदू मुस्लिम करके पागल बना दिया पब्लिक को, गारंटी कुछ नहीं है। क्या चीज गारंटी है, हिंदू मुसलमान को लफड़ा लगा करके वो खाली गारंटी बता रहा है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, जिस दिन मोदी जी हार गया ना वो बीजेपी को 100 साल नजर नहीं आएगा देश में। मोदी जी कह रहे हैं किसी विपक्ष पार्टी के पास मोदी का तोड़ नहीं है, मोदी का तोड़ नहीं है, झूठ बोलने मतलब बीजेपी को छोड़ के जितना भी पार्टी है सब मूर्ख है, उसके पार्टी में सब पढ़े लिखे हैं, कांग्रेस में सब मूर्ख है, सब अनपढ़ है। कह रहे हैं मोदी जी के लेवल का नहीं है, मोदी जी का लेवल नहीं, मोदी जी का लेवल बना दिया लोग ने बोल बोल के मीडिया ने। मोदी जी का कोई लेवल नहीं है। अगर वो ईवीएम और ये सब हटा देना तो ये समझ लो कि ये ग्राम पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत पाएगा मोदी जी। मोदी जी नहीं जीत पाएंगे ग्राम पंचायत का चुनाव, नहीं जीत पाएगा अगर ईवीएम हटा दे तो। इतना मैं कहता हूँ, याद रखना जिस दिन बीजेपी हार गया 100 साल नजर नहीं आएगा इंडिया में। राहुल गांधी कह रहे हैं भैया मोदी जी ने जो भी बातें की सब झूठ साबित। अभी क्या बताऊँ, ये जो राहुल गांधी बोलता है ना, कांग्रेस जितना जो बनाया है ना सबको तोड़ तोड़ के बेच रहा है, क्या समझे। अगर वो बनाया नहीं रहता ना तो इतना राज भी नहीं कर पाता। कांग्रेस ने किया ही क्या है भैया 60-70 साल में? कांग्रेस क्या किया है, कांग्रेस वो कर दिया है ना जो बीजेपी सोच भी नहीं सकता। सबसे पहले कांग्रेस ने तो देश आजाद करवा दिया है, वो आजादी में उतना वो बोल रहा है। अब कांग्रेस के लिए जो मोदी का जितना भी नेता है ना बोलते है ना कांग्रेस ने क्या किया, उस नेता से पूछना कि तुम पढ़ा कहाँ
पे है वो जो पढ़ा है ना वो कांग्रेस का देन जो था ना कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल उसमें पढ़ के वो इतना बड़ा बना है, इसीलिए वो भाषण दे रहा है कि कांग्रेस कुछ नहीं किया है। प्रधानमंत्री भी गर्व होना चाहिए जो 18-18 घंटे काम करते 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं घूमने जाता हो। अरे मैडम उसको देखा है कभी 18 घंटा काम करते हो आप? देखा है कोई पब्लिक देखा है क्या उसको? जहाँ भी देखा वहाँ कैमरे के सामने देखा है उसको काम करना बोलेगा क्या? मंत्री है कैमरे वाले तो घूमेंगे ना पीछे। इतना कैमरा वाला और भी प्रधानमंत्री था कोई था क्या? और भी प्रधानमंत्री देश में था कोई था क्या? नहीं था ना। ये पानी के अंदर जाता है वहाँ भी 4 कैमरा जाता है, पानी को ऊपर रहे तो 50 कैमरा, कहीं चले तो कैमरा, कहीं घूमे तो कैमरा। मुझे लगता है मोदी जी को तो ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री है उसको तो सोने के टाइम में भी 10-15 कैमरा लेके ही सोना चाहिए। प्रधानमंत्री है इतना तो बनता है ना मैडम? इतना नहीं बनता है कि पब्लिक को गरीब को सबको अंधा बना दे, सबको पागल कर दे, एक दूसरे में लड़ा दे, मुस्लिम हिंदू करके साला जो मेरा दोस्त था उसको भी आपस में लड़ा लड़ा के भी उसको समझ लो कि दुश्मनी पैदा कर दिया, जिसके साथ हम लोग उठना बैठना था आज वो भी जय श्री राम बोल के हम लोग को उल्टी नज़र से देखता है। क्या समझे? जो हिंदू मेरा दोस्त था मेरे साथ पढ़ा लिखा है बैठा है वो भी आज मेरे को नफरत नज़र से देखता है कि ये मुसलमान है, जय श्री राम का नारा लगा के सैर हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा देश सेकुलर था। मोदी जी देखिए कहते हैं 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है जिसमें आप भी। परिवार है ऐसे बोलने से नहीं परिवार है, ऐसे बोलने से नहीं, ऐसा मत मत मरो, बीवी तक मत जाओ, बीवी तक जाओगे तो अपमान हो जाएगा, वो पर्सनल मैटर है कि नहीं भाई? बात यह है कि आपको बोलने से नहीं कि हम आपका परिवार है, परिवार इंडिया में जो भी है ना सब इंडियन सबके परिवार है, क्या समझे? अब हम किसी को बोल देंगे कि ये मैं नेता हूँ, अगर मैं बोलूंगा कि मेरा परिवार सब है ऐसा? मोदी जी कह रहे भैया मैं अपनी जो प्रधानमंत्री की सैलरी होती है ना वो भी देश हित में दे देता। ये तो हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को तो इतना बोलता है कि सब कुछ मैं इतना कर दिया हूँ उतना कर दिया हूँ। एक बात खनारिया में जाकर रिपोर्टिंग कर ले, कितने कारखाना बंद है इसका कोई हद नहीं है। आदमी काम छूट, पहले क्या था पब्लिक जो मजदूर था अगर कोई सेठ अगर ज्यादा माथा पची किया तो काम छोड़ के इसमें से दूसरी जगह लगाता था, ऐसा था। लेकिन आज डर के मारे कोई काम नहीं छोड़ना चाहता है, अगर छोड़ूंगा दोबारा काम दूसरी जगह मिलेगा कि नहीं? मोदी जी से इतना खपा क्यों है? खपा है हम लोग कुछ खपा नहीं, मोदी जी 500 साल राज करता लेकिन पब्लिक को गरीब को देख के राज करता, उन लोग को सारा सिस्टम देता। चाय बेचते हुए कोई देखा है इंडिया का आदमी? प्रधानमंत्री का चाय बेचते हुए कोई देखा है क्या? कोई फोटो कॉपी उसका चाय का जो टपड़ी था वो कहीं है दिख रहा है क्या? ऐसा तो नहीं कि 500 साल का प्रधानमंत्री है उसका चाय का टपड़ी उसका फोटो वोटो कहीं नहीं है। राहुल गांधी आएगा तो देश बचेगा, राहुल गांधी आएगा तो सेना का जो पावर है ना जो अग्निवीर जो बनाया योजना वो बहुत घटिया योजना बनाया है, क्योंकि सेना को सेना में रहने के लिए कुछ साल तक उसको समझ लो कि उसको सीखना पड़ता है, सेना में सीखना पड़ता है, सेना को सब जितना भी वो सामान होता है दूसरे देश से लड़ने के लिए वो सबको ट्रेनिंग लेना पड़ता है तब जाके वो भारी सेना बनता है। वो 4 साल में क्या सीखेगा? क्या वो मशीन चलाएगा दूसरे देश से लड़ने के लिए? जब तक वो सीखने लायक होगा तब तक तो रिटायर हो जाएगा वो अग्निवीर योजना भी खराब है। मतलब राहुल गांधी पे पूरा भरोसा है? राहुल गांधी गांधी जी का परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है, राहुल गांधी के परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दिया है, क्या नहीं किया है? देश को आज़ाद कराया क्या नहीं किया वो? बीजेपी को जितना भी नेता वो देश के लिए क्या किया है? खाली एक दूसरे को लड़ाया है और कुछ नहीं किया है, अपनी सत्ता के लिए अपनी मोह माया के लिए पब्लिक को एक दूसरे को नफरत पैदा किया और कुछ नहीं किया है। 24 में तो हमको अकेले होने से नहीं होगा लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि बदलाव होएगा, क्योंकि जनता परेशान होगी हर चीज़ से परेशान है।